तो अभी हम है पश्चिम मेदिनीपुर में और जगह नाम की था एकेड़िया ग्राम। तो इस गांव का नाम है एकेड़िया है और अभी अप्रैल का महीना है, जायद सीजन है और लोग यहां पे तिल की खेती कर रहे हैं। ये सफ़ेद तिल है जिसे यहां पे लोकली खोसला नाम से जाना जाता है। और ये मेरा है छोटा मामा जी, वो है हमारा बड़े मामा जी जो कि अभी पटवन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तिल का प्रोडक्शन बहुत ही कम आ रहा है, लगभग 2 क्विंटल है प्रति बीघा। और अभी आप देख सकते हैं हरा भरा खेत है और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये हार्वेस्टिंग पे आएगा। तो तिल जो है इसका बहुत ही अच्छा तेल बनता है, साथ ही इसको हम लोग छील के इसका पेठा भी बनाते हैं जो कि चावल के साथ लोग खाते हैं, इसका फ्राई करके। और साथ ही जो लड्डू बनता है उसमें भी तिल का यूज़ होता है। तो ये बहुत ही पौष्टिक है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक क्रॉप है। और लगभग हमारे जो पश्चिम मेदिनीपुर है, बांकुड़ा है, वहाँ पे अप्रैल के महीने में एक खेती आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कई जगह में नदी अगर सूख जाता है तो उसी जगह में भी इसको बो दिया जाता है, हालांकि कम पानी में भी ये आसानी से हो जाता है। आर की चाष करो बोलो। आर काला शोषा झिंगा धान चाष हो, आलू है ना, शोषा काला हो। अच्छा, तो कौन चाष तो सबसे बेसि प्रॉफिट है? प्रॉफिट है शोषा का। तो खीरा में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, बीघा में कितना प्रॉफिट होता है वो तो? बीघा 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट प्रति बीघा। और कौन कौन सा वेरायटी लगाते हैं यहाँ पे? अमतला है टेक और यह बरसरानी। बरसरानी कावेरी नहीं की कावेरी और आगे बारह पता चले चलते हैं। बारह पता रोशन काला, रोशन काला ना, रोशन काला पोकी पोगेटी प्रगति प्रगति हाँ करोला। अच्छा ठीक है। और शोषार पर की करबे चाष? तो शोषार पर आलू। आलू आलू मध्ये की करो? कुफरी आलू मध्ये पोखराज ना, पोखराज ना ज्योति, ज्योति ना कुफरी ज्योति। हाँ ज्योति। पोखराज टा केमन হচ্ছে এখন? ज्योति হচ্ছে যেটা আছে কাপড়ের কেপ তারপর সুবাসেস এই সব। আচ্ছা পোখরাজ কেমন হচ্ছে এখন? পরে আমি করে নিতো আগে হতো না? আগে হতো, আগে 5 পাকেট করে হতো কাঠা। আচ্ছা আচ্ছা। মেদিনীপুর জেলা 42 বিঘা। 42 না? 42 বিঘার এরিয়াটাও বেশি এখানে। বেশি তো এটা বলছো 2 কুইন্টাল হয়, তো পোখরাজ ভালো হয় নি তো? না 4 কুইন্টাল হয়তো। ভালো হয়েছে কি? আচ্ছা আচ্ছা ভালো হয়নি খরার জন্য। আচ্ছা আমি মোটামুটি 11টা যাবো ফোন করবো। তো তোমার চাষ করে কেমন লাগছে? চাষ করে পয়সা হয়, সংসার চলছে, পয়সা কিছু হয়, প্রফিট হচ্ছে ভালো না? প্রফিটে আগে 3 লাখ হতো বছর, এখন 2 লাখে পড়েছে। 1.5 লাখ 2 লাখ এরকম হচ্ছে বছরটা। শোষা চাষটা ভালো হয়? শোষা হয়, আলু 1 লাখ হলো। আচ্ছা এই এইটা 30-40 হাজার হয়। এই ঠিক আছে, তুমি ওইখানে একটা তুলবে পিস্টার থেকে একদম ওই বিলটা খসলা করে হলো বটে তুলে দিব। আচ্ছা ঠিক। জল ভালো আছে, এত ধরনের জল আছে, বিশাল জল আছে। 10 কাঠা 2 ঘন্টা সময় লাগে। হাতি থাক বাঘ থাক কোনো খাবে তো আমি বকে আমাকে, আমি বকতে হবে না, আমি ঠিক আছে, তুমি নিজে ঠিক থাক, আমাকে কেউ কোনো ভয় নেই। অনু ভাগে আসতে পারে কাছে বলা, এই আমি সাহস করে চলে এসেছি, খাওয়া দাওয়ার কোনো সিস্টেম নেই, কখন খাবার যে যাই ও তো ঘুমাই যাবো সব।